आज इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से रिलीज किए कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना ही चाहिए। ये सारे एप्लीकेशन आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। अब ये कौन कौन से एप्लीकेशन है और आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो एप्लीकेशन आती है वो आती है डिजी लॉकर। ये एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना ही चाहिए। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज की मार्कशीट, इनफैक्ट अपने बिजली बिल का सर्टिफिकेट और अगर आपके पास LPG गैस का कनेक्शन उसका पासबुक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट को आप बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो आप अपने मोबाइल में ही उस डॉक्यूमेंट को कहीं पे भी शो कर सकते हैं और आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन भी नहीं की जाएगी और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होंगे सभी एक गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस में। सेकेंड नंबर पर आती है एम परिवहन। ये एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज की गई है। इस एप्लीकेशन में आप अपने व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको आपके फ़ोन में RC डाउनलोड करना है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपका जो गाड़ी है, आपका जो व्हीकल है उसकी कितने दिन की लाइफ बची है वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस फेल है कि नहीं वो सारी इंफॉर्मेशन, आपके व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे चीज़ आप इस एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पर आती है एम पासपोर्ट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया हुआ है तो आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन की रिपोर्ट, एप्लीकेशन के स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके शहर में पासपोर्ट ऑफिस कहाँ है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे वेरीफाइड एड्रेस ही आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे उमंग एप्लीकेशन आता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो स्कीम होती है उसकी आप यहाँ पे फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको आपके PF अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम है तो वहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे फैसिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट स्कीम को बहुत ही आसानी से यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पाँचवें नंबर पे भीम UPI एप्लीकेशन आता है जो कि NPCI का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। जैसे आप अपने फ़ोन में फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं UPI ट्रांजेक्शन के लिए, वैसे ये एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जब UPI की फैसिलिटी इंडिया में शुरू होना ही स्टार्ट हुई थी तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी वो भीम UPI ही लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हमेशा फेल हो जाती है अदर किसी UPI एप्लीकेशन के थ्रू, तो यहाँ पे फेल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आप ये भीम UPI को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जितने भी सारे UPI फैसिलिटी को यूज़ करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन पर, वो सारे फैसिलिटी आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर छठे नंबर पर GST रेट फाइंडर ऐप, ये एप्लीकेशन आता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कौन से प्लेस में आपके मतलब आपसे नॉर्मल सिटीजन से क्या GST वहाँ पे लेनी चाहिए, क्या GST रेट वहाँ पे तय है, वो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं पे शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पे अगर वो आपसे गलत GST अमाउंट अगर वो आपसे चार्ज करते हैं तो वहाँ पे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन से प्लेस के लिए वहाँ पे कितने GST गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई है, उससे ज़्यादा आप GST ना दें, ये आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सातवें नंबर पे एम आधार एप्लीकेशन आता है। UIDAI की तरफ से ये एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप अपने आधार कार्ड को डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आपके आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपना बायोमेट्रिक लॉक करना है, अनलॉक करना है, अगर आप पिन जनरेशन करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी से आप सभी फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके आधार से रिलेटेड जितने भी फैसिलिटी है आप इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आपके आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो यही सारे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो कि आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। मैं खुद
अपने मोबाइल में इन सारे एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।